हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप में स्वागत है। माय नेम इज प्राची एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास। आई नो कि परसों अच्छे से क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज मैं आप सभी के साथ अवेलेबल हूँ टू टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यस, जो उस दिन लेक्चर नहीं हो पाया वो भी मैं एक दिन ज़रूर शेड्यूल करूँगी, बट अभी हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट डोज ऑफ नेट की। आई नो एंड आई एम रियली अपोलोजाइजिंग टू एवरी वन कि उस दिन टेक्निकल डिफिकल्टी और ग्लिचेस की वजह से लेक्चर नहीं हो पाया, बट आज ये लेक्चर डेफिनेटली होगा। और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया है तो ये है लास्ट डोज ऑफ नेट। हमने 10 दिन जेआरएफ विन का एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें इन 10 डेज में वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फॉर नेट एग्जाम। सिर्फ एक यूनिट के नहीं बल्कि 5 यूनिट्स के, आज की क्लास में 5 यूनिट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो जल्दी से स्टूडेंट आ जाएं एंड देन हम आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो जब मैंने इस क्लास के बारे में स्टूडेंट्स को बताया था, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी एंड मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम क्या आप इसकी पीडीएफ दोगे, विल यू प्रोवाइड पीडीएफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और मैंने कहा था कि मैं पीडीएफ तब प्रोवाइड करूंगी अगर क्लास में मुझे 300+ स्टूडेंट्स दिखें। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ को मैं शेयर करूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आज क्लास में मुझे क्या मिलेंगे 300+ स्टूडेंट्स। अगर 300+ स्टूडेंट्स लाइव मुझे आज क्लास में दिख गए तो आज मैं आप सभी को ये पीडीएफ दूंगी ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप टेलीग्राम चैनल्स। ओके, सो थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे लाई हूँ मैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आज आपको पीडीएफ मिले तो आपको क्या करना है, यू नीड टू लाइक द सेशन। ओके, शेयर जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट आ सके और आप सभी को ये पीडीएफ मिल सके, एक तरीके से खजाना मिल सके, लास्ट डोज मिल सके। तो मेक श्योर कि आप आज के लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे एटलीस्ट 300% प्लस स्टूडेंट्स आ ही जाए। ओके, एंड इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो एक सब्सक्राइब करना बनता है, स्पेशली इफ यू लाइक द वे आई टीच और इफ आफ्टर सीइंग द लेक्चर यू लाइक द वे आई एम टीचिंग, तो उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरा एम कि बायजूस एग्जाम प्रेप यूजीसी नेट चैनल के हो जाए 2021 के एंड में। तो ये इम्पॉसिबल टास्क सिर्फ आप लोग, आप डियर स्टूडेंट्स हमारे फुलफिल कर सकते हो। बट अगर आज पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, आज 300+ स्टूडेंट्स होने चाहिए। ओके, तो जल्दी से स्टूडेंट्स आ जाए, नहीं आएंगे तो भाई लेक्चर तो आपके पास है ही, रिकॉर्डिंग आप कभी भी लेक्चर देख सकते हो, पर पीडीएफ चाहिए तो फिर करना पड़ेगा सेशन को लाइक शेयर, जिससे दबा के 300+ स्टूडेंट्स क्लास में आ जाए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नहीं प्रीति, अब मैंने बता दिया मैं कब दूंगी, तो बस तभी मिलेगी। ठीक है, ओके, एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देवांजन, ब्रह्मो, राजमणि, राहुल, डीकेएस, सतरूपा, रोशनी, शुभम, त्री, राजिया, अर्चना, राधा, पूनम, हेलो हेलो, वेलकम। ओके, एंड थैंक यू सो मच आकृति फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच। हाय शर्मिष्ठा, गुड इवनिंग, वेलकम। तो जी जरूर शुरू करेंगे, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। ठीक है, तो बिल्कुल अगर एंड तक भी मुझे 300+ स्टूडेंट दिखेंगे ना तो भी मैं पीडीएफ दे दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, मैंने इतनी मेहनत से पीडीएफ बनाई है आप लोगों को एक इंसाइटफुल लेक्चर देने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिशनेस दिखा दी और बोला कि भाई 300+ होने चाहिए आज, है ना। तो यस, दुर्गा पूजा है स्टार्टेड, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, यानी कि फेस्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं एंड फेस्टिवल जरूर स्टार्ट हो रहे हैं, पर याद रखिए कोविड इज स्टिल देयर। ओके, पिछली बार भी स्टूडेंट फेस्टिवल के टाइम पे कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे,
सो प्लीज मेक श्योर कि वी डू नॉट रिपीट द सेम सिचुएशन. एंड आपको पता है कि नवंबर, अक्टूबर नवंबर का ये वो टाइम है जब एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो प्लीज डू नॉट यू नो बर्स्ट फायर क्रैकर्स, पटाखों को मत जलाएं, बिकॉज भाई अगर अच्छी एयर होगी तो अच्छा दिमाग चलेगा, अच्छे से पढ़ाई होगी और JRF क्लियर होगा. तो ये दो चीजें हैं जो याद रखिए कि फेस्टिवल्स हैं उन्हें जरूर मनाएं, पर अपनी सेफ्टी का, दूसरों की सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें. ओके, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. चलिए तो इसी नोट पे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर का मैं एजेंडा आप लोगों को पहले बता देती हूँ. आज के लेक्चर का एजेंडा ये है कि हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको कवर करेंगे, विच हैज बीन आस्क्ड इन नेट एग्जाम. ओके, आई विल बी कवरिंग 5 यूनिट्स. मैं 5 यूनिट्स कवर करूंगी, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 9 एंड 10. जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स है उन्हें प्रद्युमन सर कवर करेंगे. मैं यूनिट 5 यानी कि IR, यूनिट 6 यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यूनिट 7 यानी कि पॉलिटी, यूनिट 9 यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिट 10 यानी कि गवर्नेंस को कवर करूंगी. ठीक है, जनरली जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो 4 यूनिट्स में से देखी जाती है. यूनिट 10 में तो इतनी आती नहीं है बुक्स एंड ऑथर्स की बात, और वो है IR, IFP, पॉलिटी और PBAT. सो जनरली आज जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे उसमें 4 जो यूनिट्स हैं उनके बुक्स एंड ऑथर्स को मैं कवर करूंगी आज के क्लास में. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट. और जो मैंने बात बोली कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए, सो मेक श्योर कि आज 300+ स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हो, एंड आई विल डेफिनेटली गिव द PDF ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे बायजूस एग्जाम प्रेप की मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, चलो, थैंक यू सो मच लता. ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, और हियर यू गो विद द फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट जो हम कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 5 IR. मेजॉरिटी जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं अमंग्स दीज 5 यूनिट इज अमंग्स द 5 यूनिट्स विच आई एम अबाउट टू डिस्कस, यूनिट 5 इज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चन कम्स. यूनिट 5 में से जनरली देखा गया है कि मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के, और जब भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम वो क्या टेक्निक है, ट्रिक है, जिससे हम बुक्स एंड ऑथर्स को बहुत ईजी से रिमेंबर रख सकें, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है स्टूडेंट कि आप हर एक बुक्स एंड ऑथर्स को एक साथ ना पढ़ें. डू नॉट रीड ऑल द बुक्स एंड ऑथर्स टुगेदर बिकॉज इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड. ऑलवेज रीड इट इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट दैट यू आर रीडिंग. जो भी आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जो भी आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या बुक्स एंड ऑथर्स लिखी गई हैं उसे याद करिए, उसे पढ़िए, तो बहुत ही ईजी हो जाता है. और आपको एक या दो ही बुक ज्यादा पढ़नी पड़ती है, ज्यादा आपको पढ़नी भी नहीं पड़ती है. ठीक है, तो ये एक ट्रिक है स्टूडेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. सो प्रोबेबली यू विल लाइक इट. ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी आज के लेक्चर में टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज बुक्स को डिवाइड किया है जहां जहां पॉसिबल हो पाया है. ओके, तो सबसे पहले है आइडियलिज्म से रिलेटेड. तो आपको पता है कि अप्रोचेस टू IR, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों के बारे में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले आता है आइडियल अप्रोच यानी कि आइडियलिज्म, और इससे रिलेटेड जो बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार है. और ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डेलिबरेटली इंग्लिश में रखा है क्योंकि इंग्लिश में बुक्स के नाम याद करना बेटर है. ओके, हिंदी के में अगर आप याद करते हो तो ट्रांसलेशन में आप फंस सकते हो, ट्रांसलेशन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है. तो हमेशा याद रखिए कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स के नाम हमेशा इंग्लिश में याद रखने चाहिए, इट्स ऑलवेज बेटर. ओके, ट्रांसलेशन का कोई गड़बड़ ही नहीं होगा फिर. ओके, तो सबसे पहले आता है 14 पॉइंट्स प्रोग्राम, 1918, वुड्रो विल्सन. ये एक तरीके से कोई बुक एंड ऑथर नहीं है, बट ये एक स्पीच है जो वुड्रो विल्सन ने दिया था US कांग्रेस में 1918 में, जिसके अंदर उन्होंने वो 14 पॉइंट्स यानी 14 पॉइंट्स बताए थे जो पीस और प्रोग्रेस से रिलेटेड थे, जिसमें उन्होंने लीग ऑफ नेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन सब चीजों के बारे में बात किया. सो दिस इज समथिंग जो कभी कभार बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चन में आ ही जाता है. फिर आता है ग्रेट इल्यूजन 1909, नॉर्मन एंगल ने ये बुक लिखी थी या एंजल ने ये बुक लिखी थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि हाउ देर इज अ इल्यूजन दैट वॉर बेनिफिट्स ऑल, दैट इज अ इल्यूजन ऑल टुगेदर, ये बात उन्होंने बोली थी. फिर परपेचुअल पीस बाय इमैनुअल कांट. ओके, दिस इज अ वेरी फेमस बुक, और इस बुक में उन्होंने अगेन पीस एंड प्रोग्रेस से रिलेटेड बात की थी, वर्ल्ड पीस से रिलेटेड बात की थी. ओके,
नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है रियलिस्ट। जहां तक रियलिज्म स्कॉलर्स की बात आती है तो उसमें ई.एच. कार, मॉर्गनथॉर, केनेथ वॉल्स एंड मेयर शाइमर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स। और उन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर आपको बुक्स भी दिखाई देती है कि उनसे रिलेटेड बुक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत बार डिस्कस किया है एंड मेजोरिटी ऑफ यू ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ इट। ओके, और वो है 20 ईयर क्राइसिस 1939 बाय ई.एच. कार। पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 हांस मॉर्गनथॉ, जिसके अंडर उन्होंने वो 6 प्रिंसिपल दिए हैं ऑफ क्लासिकल रियलिज्म और पॉलिटिकल रियलिज्म, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, जिसमें उन्होंने बोला दैट हाउ इन इंटरनेशनल लेवल एवरी थिंग द रिलेशनशिप दैट इज देयर, द स्ट्रगल दैट इज देयर इज ऑल ऑफ पावर, शक्ति का सारा स्ट्रगल है, ये बात उन्होंने बोली थी। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू रियलिज्म यानी कि अगर नव यथार्थवाद के बारे में बात करें तो ये दो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। केनेथ वॉल्ट्स ने और भी बुक्स लिखी है पर ये बुक से ज्यादातर आप क्वेश्चंस देखते हो आते हुए, क्योंकि इस बुक में उन्होंने अपनी न्यू रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन बताई है, जिसमें उन्होंने एनार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में, अराजकता संरचना के बारे में भी बात की थी। एंड देन वी हैव द स्ट्रैटेजी ऑफ सॉरी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में जॉन मेयर शाइमर ने ये बुक लिखी थी स्टूडेंट, एंड इस बुक में उन्होंने ऑफेंसिव नियो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, जिसमें वो ये कहते हैं कि फोकस इज नॉट ऑन इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी वाइल गेनिंग पावर, द फोकस इज टू बिकम अ हेजेमॉन। कि फोकस ये नहीं है कि अपने को सुरक्षित रखा जाए जब कोई एक राज्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है, फोकस ये है कि वो कितना ज्यादा यू नो वर्चस्व ले सके, वो एक वर्चस्व राज्य किस प्रकार से बन सके। तो ऑफेंसिव का ज्यादा मेजर आइडिया है। ओके तो याद रखिएगा। यस पही बिल्कुल सही आपने बात बोली, वेरी नाइस, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज मार्क्सिज्म रिलेटेड बुक्स। ये जो मार्क्सिज्म रिलेटेड बुक्स हैं इसमें आप देखेंगे कि ये जितने भी स्कॉलर्स के मैंने नाम लिए हैं दे आर मोर और लेस बेस्ड ऑन द न्यू मार्क्सिस्ट और क्रिटिकल थियोरी अप्रोचेस। ओके सो मार्क्सिस्ट अप्रोचेस में भी बहुत सारे स्ट्रैंड और इंटरप्रिटेशंस हैं, और जहां मैंने इन यू नो स्कॉलर्स के नाम लिए हैं ये जनरली न्यू मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थियोरी की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड है। ये ज्यादा बात करते हैं मार्क्सिस्ट फिलोसफी को लेकर, बट दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द मार्क्सिस्ट फिलोसफी टू बी फोकस टू मच ऑन बेस। ये सुपर स्ट्रक्चर और क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं कि सिर्फ एक ही तरीके से वर्ल्ड को समझना, कि देर इज ओनली वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट इज कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटेरियट के बीच में, वर्किंग क्लास के बीच में, दिस इज रॉन्ग, देर आर मेनी अदर एक्टर्स दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके सो जहां तक मार्क्सिज्म की बात आती है उसमें ये सारे स्कॉलर्स जो है इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं जस्टिन रोजनबर्ग, न्यू मार्क्सिस्ट, Follies of Globalization 2000 and Empire of Civil Society 1994, okay? उसके अलावा Andrew Linklater, ठीक है, Critical Theory, Andrew Linklater, Beyond Realism and Marxism, The Transformation of Political Community, Critical Theory and World Politics, ठीक है, Robert Cox, Production Power and World Order, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिया था जब हम पिछली बार मिले थे बूस्टर सॉरी ऐप में, फ्री सीरीज में, एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्लूरल वर्ल्ड, ठीक है। सो ये वो बुक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके थैंक यू सो मच सहयोगिता, ठीक है। बासु ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म में ये फर्क है कि डिफेंसिव रियलिज्म ये बात करता है कि जब कोई नेशन पार को इकट्ठा कर रहा है यानी कि एकत्रित कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, और जैसे ही वो अचीव हो जाएगा इट विल स्टॉप देयर। बट ऑफेंसिव रियलिज्म में जॉन मेयर शाइमर ने बोला ऐसा नहीं है, हर एक नेशन का एम होता है कि वो एक डोमिनेंट नेशन, एक वर्चस्व राज्य बन सके, और वो तब तक पार को अक्वायर करता रहेगा, अक्यूमुलेट करता रहेगा जब तक वो ना बन जाए, ठीक है, ये बात बोली है। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन। यस करेक्ट, चलिए लेट्स मूव ऑन भाई, 245 ही है, 300 करना है भाई, जल्दी से कर दो। ओके ओनली 245 स्टूडेंट्स आर देयर, 300 करना है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू लिबरलिज्म,
एंड इंटरडिपेंडेंस, जिसके अंडर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल दिया गया था, वेरी फेमस मॉडल, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जोसेफ एस न्याय एंड रॉबर्ट ओ क्यूहान द्वारा ये दिया गया है. देन वी हैव द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू आईआर, द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, और इसमें ये वो सारी बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. निकोलस ऑनफ की बुक द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, इट इज बिलीव कि निकोलस ऑनफ हैज कॉइन्ड द वर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म इन इट्स इन दिस बुक इटसेल्फ. ओके, 1989. अलेक्जेंडर वेंड ने एक आर्टिकल और एक बुक लिखी है. आर्टिकल का नाम है एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स. एंड बुक का नाम जो उन्होंने बुक लिखी है वो है सोशल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1999. ठीक है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड अगर बुक्स के बारे में बात करें तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स, सैंड्रा विटवर्थ की फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन, चंद्रा मोहंती फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर डी कॉलोनाइजिंग थियोरी, सो ये पोस्ट कॉलोनियल थियोरी के पर्सपेक्टिव से बात करती है, प्रैक्टिस सॉलिडारिटी. जूडिथ एंड टिकनर, वो जो इन्वॉल्व थी रीफॉर्मुलेट करने के मॉर्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म के, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था इसके रिगार्डिंग एग्जाम में, अक्टूबर 2020 के एग्जाम में. ओके, सो जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड अ फेमिनिस्ट वॉयज थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन. इसके अलावा है सिंथिया एनलो की बनाना बीचेस एंड बेसिस, मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ओके, सो ये वो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन. देन लास्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग अंडर आईआर इज द पोस्ट मॉडर्निस्ट रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर, और दो बुक्स आपको इसमें सबसे ज्यादा याद रखनी है, ऑब्वियसली देर आर मोर बट दीज आर द मोस्ट बुक दैट यू नीड टू रिमेंबर अगर टाइम अब नहीं है तो. पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 बाय जीन फ्रांसिस लियोटार्ड एंड डी कंस्ट्रक्शन इन अ नटशेल बाय जैक्स डेरिडा. ओके, निश्चय और फूको ने भी बुक लिखी है, पर वो आप बुक अंडर पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ लेते तो वहां ही आपका काम हो जाता है. ठीक है, सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन और कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूनिट 9 पे स्टार्ट होने से पहले जल्दी से ओके लिख दीजिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, एंड देन आई मूव ऑन टू यूनिट 9 पबैड. वेल तरन, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ, एंड ऐसे लेक्चर में जहाँ पे अगर पीडीएफ ना भी मिले तब भी आपके पास रिकॉर्डिंग है और आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो. सो आई एम नॉट एक्टिंग लाइक अ स्कूल टीचर. अगर आप ध्यान से देखो, अगर स्कूल टीचर होती तो ये नोट्स वाले लेक्चर भी नहीं देती आपको, है ना. चलिए, वेरी गुड. बढ़िया, ग्रेट. चलिए तो इसी नोट पे फिर स्टार्ट करते हैं. यस, ग्रेट, ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बुक्स एंड ऑथर. आई बिलीव कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा यूनिट है जिससे यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड होते हैं. ओके, एंड अगेन इनको भी याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे टॉपिक वाइज याद करो. इट इज ऑलवेज बेस्ट, हमेशा टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के वाइज याद करोगे बुक्स एंड ऑथर को तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले जो मैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बता रही हूँ ये है टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास, कि उसका सैद्धांतिक विकास किस प्रकार से हुआ है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रेस, एकेडमिक डिसिप्लिन का प्रोग्रेस किससे हुआ है, उससे रिलेटेड ये बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट है. ओके, तो सबसे पहले आते हैं वुड्रो विल्सन, जिसे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. ओके, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. ओके, एंड ही रोट एन आर्टिकल, एक्चुअली इसे आप आर्टिकल या एसे कह सकते हो, इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेज्ड बुक पर से, और इस पर्टिकुलर एसे का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने 1887 में लिखी थी.
और ये माना जाता है कि ये वो ऐसे है जिसने एक्चुअली में एक एकेडमिक ग्रोथ, एक एकेडमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जिससे अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियोरी एंड कॉन्सेप्ट्स को इतने डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। सो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ वो पहले थे जिन्होंने पूरी की पूरी बुक लिखी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स पे, और उसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने 1900 में लिखी थी। एलडी वाइट, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी 1926, विलोबाई, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लूथर गलिक एंड अर्विक, जिन्होंने अगेन एक ऐसे लिखा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, आई एम सॉरी, जिसके अंडर उन्होंने पोर्स कॉब का वर्ड भी कॉइन किया था, जिसके अंडर उन्होंने वो मेजर प्रिंसिपल्स बताए थे जो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल। एंड वो जो पोर्सकॉप का वर्ड है, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये आता है पूरा। ठीक है, चलिए। देन रॉबर्ट डाल, जिन्होंने लिखी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द थ्री प्रॉब्लम्स, जिसके अंडर उन्होंने उन तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज तक एक साइंटिफिक फील्ड नहीं बन पाया है। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी? सोशल फ्रेमवर्क, बिहेवियर एंड वैल्यूज। सो दिस वॉज द आंसर, ये वो तीन प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, चलिए। देन हमारे पास आता है निस्कानेन, विलियम ए निस्कानेन, जिन्होंने बुक लिखी ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1971। वेल राज, मैंने आपको बताया कि किस बुक में वो लिखा हुआ है, कि किस बुक में उन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात की। ठीक है, एंड देन विलियम निस्कानेन, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, निस्कानेन पब्लिक चॉइस थियोरी के एक सपोर्टर थे। फिर ऑसबॉर्न डेविड एंड टेड गेबलियर रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द ऑन्टरप्रेन्योर स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर। ये जो पर्टिकुलर बुक है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है स्टूडेंट, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द ऑन्टरप्रेन्योर स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर, इसके अंडर बेसिकली बात किया था कि कैसे प्राइवेटाइजेशन विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जो इस बात को इंश्योर रखेगी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल बन सके। एंड दिस बेसिकली टॉक्ड अबाउट बिल्डिंग एन ऑन्टरप्रेन्योर स्पिरिट। चलिए, देन वी हैव द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियोरी। नाउ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियोरी से रिलेटेड कौन कौन सी बुक है वो आपको याद रखनी है। हेनरी फ्योल ने, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किए हैं, उसके अंडर ये थ्री बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ द स्टेट। ये वो तीन बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एमपी फोलियट, वी ऑल नो दैट एमपी फोलेट इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो टू से, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन, डायलॉग के बारे में बात किया, कॉन्फ्लिक्ट का एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया दिया वाया इंटीग्रेशन, जो बहुत टाइम बाद आप देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कंसिडरेशन दी गई। सो उन्होंने जो रिलेटेड बुक्स लिखी हैं वो ये हैं, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, न्यू स्टेट एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ये जो नेक्स्ट बुक है स्टूडेंट, इसको एडिट किया था बाय हेनरी मेटकैल्फ एंड एल अर्विक इन 41। तो ये जो बुक है, इसमें कलेक्टेड वर्क्स है एमपी फोलेट के, इट वाज नॉट डायरेक्टली रिटन बाय हर, एंड ये जो बुक है ये एडिट की थी हेनरी मेटकैल्फ और एल अर्विक ने। अच्छा, अमर, ग्लैड टू नो दैट। चलिए, यस करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया, यस बिल्कुल सही अश्विनी, नाइस। चलिए, देन आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। जहां तक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात आती है, वी नो द फेमस स्कॉलर दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर, और उन्होंने फोर इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, इससे रिलेटेड पी वाई क्यू भी आया हुआ है।
यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन सारी जो राइटिंग्स है एफ डब्ल्यू टेलर को उन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करा जाए, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अ पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1911। ओके 1911, ठीक है। चलिए देन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी से रिलेटेड ये वो बुक्स है जो आपको याद रखनी है। मैक्स वेबर, आई होप यू ऑल नो दैट मैक्स वेबर ने आइडियल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के बारे में बताया था, बट उन्होंने ये अप्रोच एक वन पर्टिकुलर बुक में नहीं लिखी थी, उसका रेफरेंस उन्होंने बहुत सारी बुक्स और एसेज में दिया, लाइक इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 एंड एसेज इन सोशियोलॉजी 1946। ओके यस करेक्ट देवांजन, वेरी नाइस। ओके यस ईश्वर डेफिनेटली मिलेगा। रॉबर्ट मर्टन, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ब्यूरोक्रेसी को बाय स्टेटिंग कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नॉट बेनिफिटिंग द पीपल बट इट इज द ऑपोजिट ऑफ इट। वो उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करे, सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए काम करे, तो डिसफंक्शनल होने की बात यहाँ उन्होंने कही थी। ठीक है चलिए, एंड डिसीजन मेकिंग एंड रैशनल चॉइस थ्योरी, इसके अंडर ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू 1959। ओके लिंडब्लॉम ने बारगेनिंग थ्योरी दी थी, जिसका पार्ट इंक्रीमेंटल पॉलिसी मेकिंग भी है, बारगेनिंग थ्योरी। हर्बर्ट साइमन, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ओके जिसमें आपको दिखाई देते हैं ये बुक ऑर्गेनाइजेशनल मैन, रैशनल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर करके भी हर्बर्ट साइमन ने बुक लिखी थी। देन डगलस मैग्रिगर, द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज 1960। ओके सो दीज आर द बुक्स विच आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग और रैशनल चॉइस थ्योरी। ओके लेट्स मूव अहेड, इकोलॉजिकल अप्रोच, यस करेक्ट इकोलॉजिकल अप्रोच, और इससे रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट बुक्स जो एफ डब्ल्यू रिग्स ने लिखी थी, हु इज कंसिडर्ड टू बी द पाइनियर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 61 एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थियोरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। ओके इकोनॉमिक मैन, ये इप्सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? इकोनॉमिक मैन साइमन है या बर्नार्ड, मतलब I did not understand the question, थोड़ा सा और क्लियरली बताओ। ओके एंड इकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड बुक्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है यस करेक्ट देवांजन, यस ताजिंदर बिल्कुल करेक्ट। फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टू बुक्स है, फ्रैंक मरीनी, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक परस्पेक्टिव, रिचर्ड टी मेयर ने बुक लिखी थी पब्लिक मैनेजमेंट इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसे इन मिनोब्रुक ट्रेडिशन, और इसे पब्लिश किया था टिमी बेली ने। ओके टिमी बेली ने। ओके चलिए देन स्टूडेंट, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेमिनिस्ट अप्रोच भी है, और उससे रिलेटेड जो एक जिसमें फेमिनिस्ट स्कॉलर्स बताते हैं कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो जेंडर्ड, और उसी से रिलेटेड एक बुक है कैमिला स्ट्राइवर्स की, जो उन्होंने 2002 में पब्लिश की, जेंडर इमेजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिटिमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके थियोरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं स्टूडेंट्स, पहला है अब्राहम मास्लो की मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी एंड टुवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बेग वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज, रेंसिस लिकर्ट न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू, पीटर ड्रकर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, डगलस मैकग्रिगर द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, और क्रिस अरग्रिस Personality and Organization। तो ये बहुत सारी बुक्स है स्टूडेंट जो आपको थियोरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। ओके ओके क्लियर टू एवरी वन, यहां तक बात ठीक है? अब यूनिट 7 में बढ़ने से पहले जल्दी से ओके लिख दीजिए। ओके एंड कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए अब, क्योंकि मैं पहले कमेंट्स आपके नहीं पढ़ पाती हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग। ठीक है
यस सरू, क्वेश्चंस तो आते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन है भाई ये इकोनॉमिक मैन वाला, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जॉब एनरिचमेंट एंड फुलफिलमेंट, यस हर्ज़बर्ग से रिलेटेड है ये, इकरा, जिसमें उन्होंने मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर्स के बारे में बताया था, राइट? यस ताजिंदर, करेक्ट। हाँ भाई 50 और ले आओ सोने का, है ना, तब भी दे दूंगी। चलो वेल यू कैन से साइमन इज द वन, ऐसे टर्म किसी ने जहां तक मुझे पता है कॉइन नहीं किया है। आई रिमेम्बर दैट ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का जो आइडिया है, दैट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कैन से साइमन ने, हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग की बात की थी, बट आई डोंट नॉट रिमेम्बर क्लियरली कि ऐसे कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन वर्ड कॉइन हुआ और बोला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन तो नॉर्मल वर्ड ही है यार, उसको क्या कॉइन करना। ओके, एंड इप्सा सेम गोज फॉर इकोनॉमिक मैन एज वेल। ओके, इकोनॉमिक मैन बेसिकली जो आइडिया है वो रेजोनेट किया जाता है विद F.W. टेलर, और उसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने कैसे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन के बारे में सोचा। और ये बर्नार्ड ने और ह्यूमन सॉरी बर्नार्ड ने, और इसके अलावा आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द वर्ड, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, पर बर्नार्ड ने और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के जो प्रोपोनेंट है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, समहाउ अगर कोई बता दे तो फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, क्या नाम था यार ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मेयो, थैंक यू विद्या, यस एल्टन मेयो। सो इकोनॉमिक मैन के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिसाइज किया था टेलर की अप्रोचेस को, एल्टन मेयो ने भी, चेस्टर बर्नार्ड ने भी, ओके एंड बहुत सारे स्कॉलर्स ने किया था। ओके थैंक यू। हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके देखा, अगर आप लोग ना होते तो हमारा क्या होता, है ना, हम ऐसे चीजें भूलते हैं, देन कैसे कौन हमें याद दिलाता अगर आप लोग नहीं होते, राइट? हाँ हाँ जरूर जरूर, जल्दी से। ओके चलो, लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 7, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ओके, अब हम यूनिट 7 की तरफ चलते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, और इससे रिलेटेड थैंकफुली बुक्स के क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि कम याद करना होगा, बुक्स के नाम यहाँ कम आते हैं। कुछ बुक्स के नाम जो है वो मैंने यहाँ दिए हैं, फर्स्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस, जो एम हिदायतुल्ला ने लिखी थी 1966 में। एवी डाइसी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885, इसको प्लीज याद रख लेना क्योंकि एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था और ही इज रिकग्नाइज्ड अ लॉट, सो यू नेवर नो किससे क्वेश्चन आ जाए। आइवर जेनिंग्स, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक 1953 में लिखी। सुभाष कश्यप, आर पार्लियामेंट 1999, एंड केसी वेयर ए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन 1966, एंड ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक तो सबको पता ही है ना, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, है ना। अच्छा ओके, सॉरी अश्विनी, ठीक है वापस पढ़ लेना, ठीक हो जाएगा कंफ्यूजन, या कोई कंफ्यूजन अगर मैं क्लियर कर सकूँ तो बता दो, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा थैंक यू सो मच विद्या। ओके पुष्कर, प्रोबेबली यू लाइक द वे आई टीच, दैट्स व्हाई यू हियर। ओके चलिए, नाउ स्टूडेंट ये जो बुक्स हैं स्टूडेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, दे आर मेजरली फोकस्ड विद द फेडरल पर्सपेक्टिव, जो फेडरल गवर्नमेंट और सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड ये बुक्स लिखी गई कि वो कैसा रिलेशन है और उसको कैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, सो केसी वेयरे फेडरल गवर्नमेंट 1951, के सनातनम यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, पॉल एपल बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके ये बुक यूनिट 9 यूनिट 7 दोनों के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है।
मॉरिस जोन, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया 1960, ये बुक वापस रिपीट हो रही है, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अलेक्जेंडरोविच, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया 57, जिन्होंने फेडरल सुई जेनरिस का आइडिया दिया था. फेडरल सुई जेनरिस, फेडरल सुई जेनरिस का मतलब है कि हाउ इंडियन फेडरल सिस्टम इज यूनिक इन इट्स ओन. सुई जेनरिस मतलब यूनिक, अपने आप में विशेष है. ओके ठीक है, तो याद रखिएगा. देन ग्रैनवेल ऑस्टन की बुक तो सबको ही पता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन. सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स, ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है थैंकफुली. ओके चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट यूनिट फॉर टुडे इज यूनिट 6. जैसे मैंने बताया यूनिट 10 से ज्यादा बुक्स हो तो ऑथर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं. जो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन है वो जनरली यूनिट 7 से ही होते हैं या यूनिट 9, और वो ओवरलैप कर जाते हैं यूनिट 10 में ज्यादातर. सो यूनिट 6 जो है उसी के बस आपको और स्कॉलर्स के नाम याद रखने होंगे, और ये हैं वो स्कॉलर्स के नाम. महेंद्र कुमार, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. सी राजा मोहन, समुद्र मंथन, साइनो इंडियन राइवलरी इन द इंडो पैसिफिक 2012. इस बुक में बेसिकली उन्होंने ये बात की थी कि कैसे जहाँ तक इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है उसमें इंडिया, चाइना, यूएसए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं कि इनके बीच में डायलॉग रहे. ओके सुगाता बोस, अ हंड्रेड होराइजन, द इंडियन ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल एम्पायर. डेविड क्लीमेन एंड रिचर्ड फॉन्टेन, ग्लोबल स्विंगिंग स्टेट, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर. इनको अरेंज करने का मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, मतलब प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है. ओके साकेत, 8:15 PM. ओके वॉर इन द इंडियन ओशन, मिहिर के रॉय. न्यू डायरेक्शन इन द इंडियन फॉरन पॉलिसी बाय एच वी पंत. इंडियन फॉरन पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू एशिया एंड पैसिफिक, विद्य प्रकाश दत्त, वीपी दत्त. चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी री थिंकिंग इंडियाज फॉरन पॉलिसी, राजीव सिकरी. डज द एलिफेंट डांस, कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फॉरन पॉलिसी बाय डेविड एम मलोनी 2014. ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. लास्टली इंडियन फॉरन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट, सुमित गांगुली. Choices Inside the Making of India's Foreign Policy Book by Shiv Shankar Menon. Okay, so ये वो last books हैं student जो आपको याद रखनी है, और यहाँ पे होता है आज का lecture खत्म. So I hope आपको ये short and crisp lecture पसंद आया होगा. ये वो सारे scholars and authors हैं कि अगर आपके पास सारा time नहीं है सब पढ़ने का तो इतने भी पढ़ के चले जाओ तो आपका chance of attempting successfully the questions of books and author increases to 80%, 80% तक बढ़ी जाएगा. ओके सो आई होप इतने क्लियर है बातें एंड कोई प्रॉब्लम नहीं. ये वो टेलीग्राम चैनल्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप जल्दी से ओके लिख दो, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए. ओके एंड चलिए एक बात मैं यहाँ बोल देती हूँ. 250 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, आई थिंक सो 260 गया था आज मैक्सिमम, और आई नो कि मैंने कहा था 300 प्लस होंगे तो ही मैं शेयर करूंगी, तो मैं पीडीएफ नहीं पर ये पीपीटी जरूर शेयर करूंगी अब मैं. ओके ये पीपीटी जो मैंने आज यूज करी है आप लोगों को समझाने के लिए, ये मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिससे जो स्टूडेंट्स क्लास में आए हैं एटलीस्ट उनका तो बेनिफिट हो सके. ओके सो आई होप आप, अब कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैम आप सेल्फिश हो, मैम आप स्कूल की टीचर की तरह हो. मैंने आपकी मदद के लिए एक चेंज लाई हूँ, ठीक है. 300 स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एटलीस्ट 260 तो गया था, चलो मान लिया. और ये पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी. टेलीग्राम चैनल के लिंक आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बायजूस एग्जाम प्रेप. ओके इसी चैनल पे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है. यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल द लेक्चर्स, सो यू डोंट हैव टू वरी एनीवे. ओके वेल थ्री दैट प्रद्युमन सर कैन लेट यू नो बेटर. ओके ठीक है भाई, पीडीएफ और पीपीटी में सेम कंटेंट है,
मतलब इशारा भी नहीं समझते हो तुम लोग, हाँ, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वे द यू नो द रेलेवेंस ऑल्सो समटाइम्स। भाई सेम लेक्चर है, सेम कंटेंट है दोनों में, पीडीएफ में भी और पीपीटी में भी। तो पीपीटी मिले पीडीएफ मिले एक ही तो बात है ना। मोस्ट वेलकम अश्वनी। ओके नहीं, बोला इतना क्या यार, पूरी दे देते हैं, खुश रह जाएं बच्चे, है ना। चलो चलिए, तो इसी नोट पे यहाँ इस लेक्चर को एंड करते हो। थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पे आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, सो यूज दैट पीपीटी एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर एंड नाउ सी यू इन सम अदर लेक्चर। कल मैं और प्रद्युमन सर लेने वाले हैं मेगा मैराथन सेशन, हम दोनों साथ में होंगे, तो कल अच्छे से रिवाइज करके आ जाना, बिकॉज अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम में। होपफुली इस बार एडमिट कार्ड आ जाए और पोस्टपोन ना हो एग्जाम। सो प्लीज टाइम पे आ जाइएगा, और कल तो एटलीस्ट 350+ स्टूडेंट होने चाहिए, थोड़ा सा लालच तो हमारी तरफ से बनता है ना। चलिए इसी नोट पे बाय बाय, टेक केयर एंड नाउ सी यू टुमारो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी नवरात्रि अगेन। बाय बाय।